सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंफोसिस लिमिटेड के बारे में। सो कल के दिन फिर से ये स्टॉक सभी के फोकस के ऊपर रहेगा। उसके पीछे का रीजन है कि फ्राइडे के दिन जिस प्रकार के हमें स्टॉक में तेजी देखने को मिला था, 303% की तेजी, और स्टॉक जो क्लोजिंग भी दिया वो भी एकदम टॉप है। वैसे देखा जाए तो फ्राइडे के दिन हर एक ब्लू चिप आईटी स्टॉक में हमें इसी प्रकार के जबरदस्त रैली देखने को मिला था, बट खास करके जो इंफोसिस की तेजी थी दोस्तों ये 3% के, और जिस प्रकार के क्लोजिंग स्टॉक ने दिखाया तो इन्फोसिस के लिए रैली बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा क्रूशियल था। उसके पीछे का रीजन है कि फ्राइडे के दिन इस प्रकार के जबरदस्त तेजी के चलते अब ये स्टॉक एकदम अपना ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई के आसपास आ चुका है। जो ऑल टाइम हाई इन्फोसिस ने आज से 2.5 साल पहले अचीव किया था, और इसके जो ऑल टाइम हाई है वो दोस्तों 1951। तो अगर आप इस ऑल टाइम हाई से अभी करेंट प्राइस को देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 303% तक आपको डाउन देखने को मिलेगा, मतलब कुछ ही पॉइंट की डाउन आपको देखने को मिलेगा। तो क्या ये जो ऑल टाइम हाई स्टॉक है 1950 के आसपास, तो क्या इन्फोसिस इस लेवल को, इस ऑल टाइम हाई को, क्या ये स्टॉक इस हफ्ते या फिर क्या कल के दिन ही ब्रेकआउट दे पाएगा? क्योंकि अगर इसने इस लेवल को ब्रेकआउट दे दे तो सिर्फ ब्रेकआउट ही नहीं होगा दोस्तों, ये एक ब्लू चिप कंपनी है, और कोई भी ब्लू चिप स्टॉक अगर इस प्रकार के 2 साल 2.5 साल पुराने लेवल को ब्रेकआउट देता है तो टेक्निकली उसके बाद स्टॉक में एक और भी बहुत बड़े हमें बाइंग देखने को मिलेगा। जो बाइंग उसके बाद तो सीधा 2000 आपको 2200 से लेके 2500 तक, मतलब यहाँ से उसके बाद और भी 500-600 पॉइंट तक की आपको रैली देखने को मिलती है, क्योंकि ये ब्लू चिप स्टॉक है। और देख सकते हो कि कितने टाइम बाद घूम घाम के कितने टाइम बाद जाकर 2.5 साल बाद जाकर उसने अपने आप को यहाँ तक रिकवर कर पाए। तो जो मोमेंटम स्टॉक में बना हुआ है तो ये मोमेंटम ऐसे नहीं रहेगा, ये मोमेंटम आगे और भी आपको कंटिन्यू भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कल के दिन ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट देके फिर एक फ्रेश ऑल टाइम हाई अचीव करेगा, या फिर कल के दिन अगर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे भी नहीं पाए, क्या हमें इसी हफ्ते स्टॉक एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे, क्या ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे पाएगा, क्या 2000 के ऊपर स्टॉक जा पाएगा इसी हफ्ते? तो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बाकी जैसे मैं बोल चुका हूँ कि भाई जिसके पास भी इन्फोसिस है आज ही तो कल ये स्टॉक यहाँ तक तो आने वाले, 2500 भी जाने वाले और 3000 भी जाने वाले, और फ्यूचर में इन्फोसिस के साइड से भी आपको बोनस जैसे कॉर्पोरेशन भी आपको आते हुए भी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी कंपनी दमदार है भाई, बहुत बड़ी कंपनी है, तो जिसके पास भी आप और भी लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हो। तो कल के दिन नॉलेज पर्पज के लिए फोकस बनाकर रखना, जो मोमेंटम स्टॉक में बना हुआ है, जो ब्रेकआउट की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये ब्रेकआउट कल के दिन देता है या फिर इस हफ्ते देता है, उसके लिए आप चौथे स्टॉक को अपना फोकस बना के रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो माजगांव डॉक। सो माजगांव डॉक भी चाहो तो आप कल के दिन अपना फोकस बना के रख सकते हो। उसके पीछे का रीजन है कि स्टॉक ने फ्राइडे के दिन नेट एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस जरूर दिया, बट अभी भी स्टॉक के जो नेट परफॉर्मेंस है वो आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा। मतलब 5 दिन में देखोगे तो 5.5% डाउन टॉप लेवल से, मतलब जिस लेवल से स्टॉक ने गिरावट दिखाना शुरू किया 23 जुलाई बजट के बाद, तो उसी पिछले 3 दिनों में स्टॉक ने इससे भी नियर बाय 10 से लेकर 11% तक की गिरावट दिखाई, और एग्जैक्ट टॉप से देखो तो ये भी स्टॉक टॉप से नियर बाय आपको 15 से लेकर, मतलब रफली देखोगे तो 15% डाउन, प्रॉपर देखोगे तो आपको लगभग ये गिरावट 17% तक देखने को मिलेगा। मतलब आज ये स्टॉक टॉप लेवल से एग्जैक्ट 1000 पॉइंट डाउन है। तो इन स्टॉकों में इसलिए कवर करो, उसके पीछे का दो रीजन है। एक तो जो गिरावट स्टॉक में पिछले 5 दिनों से बना हुआ है, जो स्टॉक पिछले 5 दिनों में 17% तक की गिरावट दिखा दी, तो क्या ये गिरावट इस हफ्ते भी कंटिन्यू होगा? अगर कंटिन्यू होता है तो एज अ फ्रेश बायर तो उनके लिए एक बहुत 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 अच्छे खासे पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी ये स्टॉक इस प्रकार के 15-20% की गिरावट बहुत बार दिखा चुका है। ये जो 5 साल की गिरावट में आपको दिखा रहा हूँ, पूरे 5 साल तो अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं, मतलब जितनी भी है 3.5 साल में जो ये 2800% के नेट प्रॉफिट बना के दिए, इसी प्रॉफिट के बीच में और इसी 3.5-3 साल के बीच में स्टॉक ने बहुत बार इस प्रकार के बड़े बड़े करेक्शन दिखाए। अगर मैं वो करेक्शन भी आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं तो 2022 में अप्रैल के आसपास स्टॉक गिरा था, रफली भी देखोगे तो लगभग 25%, उसके बाद एक जबरदस्त तेजी, फिर अगेन एक रीजन बन गया, फिर 2022 में दिसंबर के आसपास फिर से स्टॉक कितने 30-35% गिरा था, फिर अगेन स्टॉक ने एक जबरदस्त रैली दिखाई, फिर तीसरे बार 2023 में सितंबर के आसपास फिर से स्टॉक 15-20% गिरा था। मतलब इस प्रकार की गिरावट, ये माजवा दोस्तों एक अच्छे रैली के बाद हमेशा स्टॉक में एक अच्छे खासे हमें गिरावट देखने को मिलता है, जिस गिरावट के लिए कुछ ना कुछ रीजन बाजार में बनी जाता है। और सिर्फ इतना नहीं, आपने हाल ही में देखा होगा कि 4 जून को ये स्टॉक एक ही दिन में 20% गिरा था। तो अगर आप आगे और भी चार्ट देखोगे तो और भी आपको इस प्रकार के ढेरों सारे आपको गिरावट देखने को मिल जाएगा। जो गिरावट स्टॉक में फिलहाल अभी टॉप से ये स्टॉक गिरा है, कितना गिरा है 17%, तो मान लो इस हफ्ते स्टॉक और गिरता है, क्योंकि स्टॉक ने जिस प्रकार के प्रॉफिट बना के दिया 3-3, 4-4 साल में 3000% के प्रॉफिट, तो गिरने के लिए स्टॉक यहाँ से और भी जोरदार गिर सकता है। बट फिलहाल जो स्टॉक की एक एवरेज गिरावट है कितने 15-20-25% के आसपास, तो फिलहाल तो स्टॉक टॉप से 17% गिरा है, तो मान लो इसी हफ्ते स्टॉक यहाँ से और भी 5
मतलब 5-6% की गिरावट दिखाता है और 22-23% की गिरावट कंप्लीट हो जाए, तो जो लोग फेस बैंक करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो अगर और स्टॉक तो आप जरूर चाहो तो उस गिरावट का मतलब उस गिरावट का फायदा उठा के आप फेस बैंक करके भी आप चल सकते हो। और जहां तक मोमेंटम की बात, तो मोमेंटम आप फिलहाल दे सकते हो कि फिलहाल तो टॉप से एक बेयरिश मोमेंटम बना हुआ है, लगातार रेड कैंडल बन रहा है, बट आपको पता है कि एक अच्छी खबर आ जाए सरकार की साइड से तो तुरंत स्टॉक में आपको फिर से जबरदस्त आपको रिकवरी भी देखने को मिल सकता है। लेकिन लेकिन मान लो जो मोमेंटम, जो नेगेटिव मोमेंटम स्टॉक में बना हुआ है, ये मोमेंटम आगे और भी कंटिन्यू हो और ये स्टॉक फिर से ये जो यहाँ से इस लेवल से और भी एक अच्छे खासे गिरावट दिखाए, मतलब 4,500 के करीब अगर स्टॉक आ जाए, फिलहाल तो 4,800 पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, तो मान लो यहाँ से और 300-350 पॉइंट की गिरावट दिखाता है, 4,500 पे आता है, तो जरूर चाहता है उस 4,500 के लेवल पे थोड़े बहुत क्वांटिटी आप एवरेज है, फिर थोड़ा बहुत क्वांटिटी आप फ्रेश बाइंग करने के बाद भी आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। और आपको ये कंपनी अच्छी लगती है, कंपनी बहुत दमदार है, शिपिंग वाली कंपनी है और जिस प्रकार के आत्मनिर्भर भारत का हमें नारा देखने को मिला, जिनके चलते ये कंपनी आगे आपको और भी अच्छे करते आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो इस हफ्ते फोकस बनाकर रखना, अगर स्टॉक में और थोड़े बहुत गिरावट होता है 5-6% के, तो जरूर आप पहला स्टॉक में लगाने के बारे में कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, तो केपीआई ग्रीन की बात करें तो इसको भी चाहो तो कल के दिन अपना फोकस बना के रख सकते हो। उसके पीछे का रीजन है कि फ्राइडे के दिन इन स्टॉक में भी हमें सीधा 5% के एक सर्किट देखने को मिला था और इस सर्किट के पीछे का रीजन भी एक बहुत ही जबरदस्त रीजन था, यानी एक जबरदस्त पॉजिटिव न्यूज था कि कंपनी को ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की सहायता से 620 मेगावाट का एक हाइब्रिड प्रोजेक्ट मिला था, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट था, जिनके चलते स्टॉक में सीधा 5% के अपर सर्किट लगा था। तो क्या ये सर्किट क्या इस हफ्ते ही फिर आगे भी कंटिन्यू रहेगा, तो इसके लिए चाहो तो आप कल के दिन स्टॉक अपना फोकस बना के रख सकते हो। जहां तक अगर हम स्टॉक के मोमेंटम की बात करें तो स्टॉक के मोमेंटम हमें एक बहुत मतलब इसी प्रकार से देखने को मिल जाता है कि बीच बीच में कंपनी को कुछ भी प्रोजेक्ट मिलता है तो 2-4 दिन स्टॉक में अपर सर्किट रहता है, लेकिन उसके बाद अगेन स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल जाता है। तो सेम चीज आप देखते तो बार बार आपको इस प्रकार के बड़े बड़े बाइंग देखने को मिल जाएगा और पिछले 6 मंथ से स्टॉक में हमें इसी प्रकार के ये वाले मोमेंटम देखने को मिला है। तो जैसे मैं इससे पहले ही बोल चुका हूँ कि कंपनी अगर स्टॉक को यहाँ से इस प्रकार के ब्रेकआउट दिखा के सारे लेवल को मतलब यहाँ से भी स्टॉक को अगर जबरदस्त रैली दिखाना है, मतलब जो कंसोलिडेशन में स्टॉक 6 मंथ में फंसा हुआ है पिछले 6 मंथ से, यहाँ से अगर ब्रेकआउट देना है जबरदस्त रैली दिखाना है, तो इसके लिए कंपनी के फंडामेंटल यानी कि कंपनी के अर्निंग्स का वेट करना चाहिए, मतलब कंपनी के अर्निंग्स अच्छे होने चाहिए। तो जब तक कंपनी के Q1 के नंबर नहीं आएंगे तब तक स्टॉक में रैली तो आएगा, बट कोई ये सोच रहा है कि यहाँ से भी स्टॉक यहाँ से 100% तक की रैली दिखाए, मतलब यहाँ से भी स्टॉक ये जो 1,000 पे चलने वाले स्टॉक है और जो बार बार आके ये 1,100 पे अपना फेस करता है और मतलब अपना एक हर्डल फेस करता है, फिर से स्टॉक गिरावट हो जाता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस बार की रैली यहाँ तक और भी लंबी अवधि तक कंटिन्यू हो, तो उसके लिए कंपनी के आपके नंबर तक ही वेट करने पड़ेंगे, मतलब नंबर कंपनी के आएंगे और नंबर अच्छे आएंगे तभी जाके स्टॉक में यहाँ से आपको एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। क्योंकि आज भी देखा जाए तो ऐसे नहीं कि स्टॉक कोई आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, स्टॉक टॉप पे है और बहुत ही ज्यादा टॉप है और बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट बना के दिया, मतलब सारे मतलब 11,000 प्रॉफिट उसके कंपेयर में स्टॉक टॉप पे है। तो यहाँ से अगर और रैली आना है तो उसके लिए सबसे पहले आपका अर्निंग्स ग्रो होना चाहिए, तो अर्निंग्स ग्रो होगा वो तो हमें तभी पता चलेगा जब कंपनी के अर्निंग्स आएंगे, यानी कि कंपनी के Q1 के नंबर आएंगे। तो इसलिए दोस्तों कोई फ्रेज बाइंग करने के बारे में सोच रहा है तो मुझे लगता है अगर आप वेट करके नंबर तक रुक के अगर आप नंबर देख के फ्रेज बाइंग करने के बारे में सोचोगे तो आपके लिए सबसे सेफ और सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये छोटी कंपनी है तो अगर नंबर खराब आते, क्योंकि पिछले Q4 में देखा होगा कि नंबर जब खराब आए थे ये वाले गिरावट स्टॉक कितने एक ही दिन मतलब स्टॉक लगातार 4 दिन लोअर से भी लगे थे, तो इसलिए नंबर अगर इस बार खराब आता है तो अभी भी स्टॉक टॉप पे है, तो यहाँ से स्टॉक जो कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है यहाँ से एक जोरदार गिरावट होके स्टॉक 750 तक भी आ सकता है, डिपेंड करते हैं कंपनी के नंबर कैसे था। और सेम अगर नंबर अच्छा आ गए तो जो 6 मंथ से स्टॉक फंसा हुआ है ना ये वाले ब्रेकआउट दे नहीं पाते, तो इसको ब्रेकआउट देके यहाँ से ये स्टॉक आपको 1,000 के स्टॉक 1,500 या तक कि 2,000 तक भी जाते देखने को मिल सकता है, डिपेंड करते कंपनी के नंबर कितने अच्छे थे और कितने खराब आते हैं, सारी चीज़ें डिपेंड करते कंपनी के नंबर के ऊपर। तो इसलिए जिसके पास है वो तो फोकस में रखे रहेंगे, जिसके पास है नहीं तो उनके लिए भी फोकस बना के रखना कि कब तक कंपनी अपने नंबर डिक्लेयर करते हैं और जब कंपनी के नंबर आते हैं किस प्रकार के आते हैं। अगर आपको नंबर अच्छे लगते हैं तो आप टॉप भी खरीदने के बारे में विचार आप कर सकते हो, क्योंकि कंपनी लंबी अवधि के अच्छे और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको आगे और भी अच्छे करते देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो आदित्य विजन, अगर हम कल के दिन की बात करें तो कल के दिन हमें लगभग 1 से 1.5% की तेजी देखने को मिली, बाकी इसके 5 साल की परफॉर्मेंस को देखोगे तो 5 साल में स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट बना के दिया, 16,500% प्रॉफिट और स्टॉक एकदम टॉप पे है। और इसी रैली के साथ साथ हाल ही में कंपनी के मैनेजमेंट ने
1:10 का स्पीड का भी एस्टिमेट लिया, तो जिसके पास है उनके लिए गुड न्यूज है, जिसके पास है नहीं तो बोनस और स्पीड के चलते किसी भी स्टॉक में जाने की जरूरत है नहीं, अच्छे कंपनी के साथ बने रहोगे। तो इस प्रकार के बोनस स्पीड अपन अच्छे स्टॉक में भी फ्यूचर में देखने को मिल सकते।